क्या आप भी मेरी तरह हाई वॉल्यूम पे गाने सुनने पसंद करते हो और अपने पीसी को होम थिएटर में कन्वर्ट करने की सोच रहे हो तो आप ले सकते हो जेब्रोनी का जैब वंडर वार 10 2.0 स्पीकर। तो ये स्पीकर की अगर प्राइस की बात करें सिर्फ 600 या 700 के आसपास आपको इजीली मिल जाता है। इसको आप स्पीकर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको साउंड बार बनाना है तो आप साउंड बार भी बना सकते हो। फाइनली इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में और क्या मिलता है। पैकेजिंग बॉक्स आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पैकेजिंग हमें देखने को मिल जाती है। अब अंदर से देख लेते हैं कि स्पीकर और जो साउंड बार दोनों कह सकते हैं कि कैसा है। तो लुक एंड डिज़ाइन आप देख लो पहले, तो लुक एंड डिज़ाइन तो बहुत ही फाड़ुआ, बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं अगर मार्केट में मैं कोई भी नॉर्मल कंपनी का आप साउंड वाल लेने की कोशिश करोगे ना तो 2 या 3 हज़ार से कम में नहीं आता है। और वहीं हमें जेब्रोनी का ये साउंड वाल जो हमें से 600 या 700 रुपये में मिल रहा है। और अगर हम अपने पीसी या लैपटॉप के लिए स्पीकर की सोच रहे हैं तो इसको ही हम स्पीकर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 2-in-1 है। तो पहले आप इसका जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से आप देख लो कि किस तरह से लुक है इसका, किस तरह से इसका डिज़ाइन है। और 2-in बनाने के लिए सिंपली आपको इस साउंड बार को थोड़ा स्लाइड्स करना है। तो यहीं से हम देख सकते हैं दो हमें स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। हॉरिजॉन्टल शेप हो या वर्टिकल शेप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। टीवी में भी यूज़ कर सकते हैं, पीसी में भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपके पास पावर बैंक होनी चाहिए क्योंकि इसकी इस स्पीकर को पावर के लिए यूएसबी पोर्ट है। तो यूएसबी के थ्रू हम इसमें पावर देंगे। इसके अलावा दो आपको ऑडियो केबल मिलती हैं जिसके थ्रू ये स्पीकर कनेक्ट हो जाता है एंड ईजिली आप इसमें अपने सॉन्ग सुन सकते हो। होम थिएटर जैसी फील आएगी। तो लेट्स सी मैं अपने पीसी में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसके और भी फीचर्स के बारे में हम आगे जानेंगे। अभी देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल शेप में ये मैंने कनेक्ट कर लिया अपनी पीसी से। इसका अब आप लुक और देखो, इसमें जो आरजीबी लाइट है ना वो मल्टीपल कलर में ग्लो कर रही है, 4 रिंग शेप में दी गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पीसी में हॉरिजॉन्टल शेप अच्छा नहीं लगता, वर्टिकल शेप यानी कि स्पीकर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली स्लाइड करो स्पीकर में। आप देख सकते हैं अब आप इसका लुक जज कर सकते हैं कि स्पीकर में अच्छा लग रहा है या फिर आपको साउंड बार में अच्छा लग रहा है। और जो लाइट है ना आरजीबी वो इसको और भी अट्रैक्टिव बनाती है स्पीकर को। इसके साउंड क्वालिटी टेस्ट कराने से पहले इसके जो और भी फीचर्स इस स्पीकर में देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिलती है एक वॉल्यूम व्हील, यहाँ से हम साउंड भी इधर से ही कर सकते हैं कम या ज़्यादा। और यहाँ पे हमें एक ऑडियो पोर्ट और दूसरा माइक पोर्ट मिलता है। तो यहाँ से हम माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन यूज़ करना चाहते हैं तो हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड में और कुछ दिया नहीं है, सिंपली है बस। अब बात करते हैं इसके मेन टेस्ट की यानी कि साउंड क्वालिटी किस तरह से आ रही है, क्या ये होम थिएटर को भी टक्कर दे सकता है कि नहीं। तो चलिए मैं एक सॉन्ग लगा देता हूँ और आपको साउंड क्वालिटी बता देता हूँ। तो भी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी, सिंपली क्लिक करके आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, लाइटनिंग में कभी कभी जे स्पीकर आपको 500 या 499 रुपए के आसपास भी देखने को मिल जाता है। अगर आप और भी ढेर सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और उनके रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।